अरे पहला क्वेश्चन वही था ना, log 5x वाला। हाँ, log 5 mod x is equals to fractional x, ठीक है। कितना है नंबर ऑफ सेशन इसका, कितना कितना है तने? चार है सर, नाइन आया। चार है, नाइन आ रहा है। अच्छा, एट आया। और बताओ। हाँ, एट आ रहा है। अच्छा, नाइन आ रहा है। अच्छा, और मैं राइट आंसर्स लिख रहा हूँ। एट बोला राइट आंसर है, मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, आप डाउट पूछ लेना। फिर सिक्स आएगा आंसर, लॉग टेन एक्स फ्रैक्शनल, इसका आंसर नहीं, यहां फ्रैक्शनल नहीं था, यहां एक्स था, इसका आंसर आ रहा है टू फ्रैक्शनल एक्स, इसका आंसर है 98। फोर्थ है log 10x is equals to fractional mod x, इसका आंसर वापिस से 8 लिखा हुआ है। फिफ्थ, log 10x is equals to cos x, इसका आंसर 3 है। सिक्स्थ, cos x is equals to mod x, इसका आंसर 2 है। सेवेंथ, 1 minus mod x is equals to cos x, इसका आंसर भी 3 है। बोर्ड दिख रहा नहीं दिख रहा? अच्छा, ठीक है। फिर आपका एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन आपका क्या है, log 10 mod x is equals to, बोलिए, sin mod x, कितना आया आंसर? सिक्स आया, नाइन, log 10 x माइनस वन इज इक्वल टू साइन एक्स, कितना आंसर आया? थ्री आया। टेंथ, log 10 x प्लस टू इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका आंसर फाइव आया। हाँ, चलो बोलो डाउट्स। फर्स्ट वाला बता दीजिए। ओके, हम बोलो कौन सा करना है अभी? सब लोग आंसर मैच कर लो अपना। हमारी आवाज खराब आ रही है। हाँ बोलो भाई। आप लोग बस पढ़ना चाहते हो क्या? आप लोग क्वेश्चन डाउट्स, हेलो आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर, तो बताओ ना भाई। डाउट्स डाउट्स नहीं, कुछ भी कौन से करना है बोलो, सारे करने हैं। किसी ने पहला पूछा था, पहला करना है क्या? हाँ सर। तो पहले वाले में बोलो क्या होगा, log, ठीक है, मैंने फ्रैक्शनल ऐसा कर्व बना दिया, यहां तक समझा? ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ये फाइव है, यहां तक क्लियर है? हाँ बोलो। फिर माइनस वन से यहां तक, माइनस टू से यहां तक, माइनस थ्री से यहां तक, माइनस फोर से यहां तक, माइनस फाइव से यहां तक, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। फिर माइनस सिक्स तक, यहाँ तक बोलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। अभी ग्राफ, अभी ग्राफ किसका बनाना है, लॉग का?
अभी ग्राफ किसका बनाना है सर? लॉग मॉड एक्स बेस फाइव। हाँ तो पहले ग्राफ किसका बना लेंगे? लॉग फाइव एक्स का बना लें ग्राफ। तो देखो ना, इसके आगे अगर जाओगे, फाइव के आगे लाइन बनाते हो फ्रैक्शनल एक्स वाली, सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग हियर ना, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन बताओ, आपका ये जो वैल्यू है ये वन कब होगी? वन क्यों ढूंढ रहे हैं बताओ पहले, फाइव पे होगी तो यहां पर आपका वन हो गया, उसके ऊपर निकल गया, और अब ये लाइन आपकी पीछे आते 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 वन से पास करेगी, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पर कितना, अब इसका मॉड भी लगाना है, एक्स पे मॉड लगाना है, तो इसी ग्राफ का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना यहाँ पर, बोलो। तो मिरर इमेज करेंगे तो ये चीज तुम्हारी ऐसे आते 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 यहां से पास करेगी, बोलो क्लियर है? सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? एक, दो, तीन, चार। ये सॉल्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स तो नीचे आ गया है ना, जीरो आ गया, तो यहाँ पे चार सॉल्यूशन। सर वो चार वन कैसे आएगा? क्या हुआ सर? वो चौथा जो है उसमें वो नहीं काउंट होगा ना? यहाँ पर अच्छा एक मिनट रुको, मैंने ये यहाँ पर ही वन हो गया ना ये, तो एक मिनट रुको, फाइव मैंने गलत बनाया ना, मैंने सिक्स, हाँ दैट इज फाइन, वो मैंने गलत किया है, ये फाइव यहां तक है और ये फोर यहां तक है, ठीक है? तो वो फाइव पे ही वन हो चुका है ना, तो ये जो है ये यहां पर निकल गया, ये बात चमकती है? सो एक दो तीन सॉल्यूशन यहां आ गए, ये क्लियर है? और यहां पर कितना सॉल्यूशन आ रहा है देखो, वन टू थ्री फोर फाइव एज अ होल कितना सॉल्यूशन आ गया, एट सॉल्यूशन आ गया। हाँ सर, ये क्लियर है एट सॉल्यूशन? अगर किसी के देखो अगर डाउट है सारा पूछो। कौन सा पॉजिटिव साइड वाला? अच्छा बोलो क्या, फाइव पे लाल वाले ग्राफ की वैल्यू वन हो गई ना, उसके बाद वो बढ़ता रहेगा, फाइव के बाद तो लाल वाला ग्राफ वन हो गया ना, ऊपर निकल गया ना, और यहाँ पर तो वैसे भी वो वन है लाल ग्राफ की वैल्यू, और ब्लैक ग्राफ की वैल्यू जीरो है, वो काउंट, यू आर नॉट गोइंग टू काउंट इट एनीवेज। तो एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार, पांच, छह, सात, आठ सॉल्यूशन, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, आगे बोलो डाउट्स। जो भी अगर किसी को सारे में डाउट है सारा पूछ, मैं सारा सॉल्व कर दूं क्या? अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, फील आ जाएगी, बोलो। सारा सॉल्व करेगा बताओ तो? कर दो सर। हाँ सर। दो सर। है ना? हाँ बोलो। आरना कितना सही हुआ है? सर थर्ड वाले में डाउट है। सही कितना हुआ है? सर पांच। मैं फर्स्ट रब कर रहा हूँ, ठीक है? कॉपी करते रहो सॉल्यूशन, सबको सॉल्यूशन कॉपी कर लेना, कॉपी कर लिया फर्स्ट सॉल्यूशन, मैं सारे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? कॉपी कर लिए? यस सर। सर नहीं सर। रब करूँ फर्स्ट? सर ये लेक्चर भी अपलोड करोगे ना? सारे लेक्चर अपलोड करते हैं, क्या हो गया? कौन सा लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है अभी तक? कोई लेक्चर है क्या जो अपलोड नहीं हुआ है? नहीं सर। कैसे लोग है, कोई बोलता ही नहीं, तनय कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ क्या बेटा? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। फिर ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि लेक्चर अपलोड होगा? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है बताओ? लॉग टेन मॉड एक्स और साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे अपन। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा बोलो?
अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। नहीं पता चल रहा भाई मुझे आप लोगों का। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? तो ये पॉइंट क्या है? जीरो। ये क्या है? पाई। पाई इज 3.14। ये क्या है? 6.28। ये क्या है? 10 किधर आएगा? थोड़ा सा आगे। 10 की बात क्यों कर रहा हूं मैं? 1 होगा। 1 की बात क्यों हुई यहां पर? क्योंकि sin x जो है 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इतना क्लियर है? यस सर। तो अब मुझे बताओ। हां सर। हां मुझे बताओ 10 पे वैल्यू 1 है ना? हाँ सर। यहाँ पर कहीं 10 है, 10 पे 1 है, और उसके बाद हर जगह ऊपर निकल गया ग्राफ है ना। चलो 10 से लाते हैं पीछे। ये बात चमकी क्या? ये कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज 1,0। ये 1 को मैंने पीक के पीछे क्यों प्लॉट किया है? क्या सर? इस 1 को ये साइन के पीक के पीछे क्यों गया काटा है? आगे को नहीं कट कराया है? वो 1.57 होता है। हाँ ये हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 1.57 है ना। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है नाउ व्हाट? उधर चलो अभी। तो इधर में log 10 वापस से मॉडस ग्राफ है ना, तो मॉड का ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है हमको। 10 पे वैल्यू क्या होगी? बोलो 10 यहाँ पे है ना कहीं। टेन का ग्राफ कहाँ बनेगा बताओ? 10 पे 1 कहाँ आएगा? अरे भाई जब आप यहां पर भी 10 डालोगे, साढ़े नौ, जब आप यहां पर भी 10 डालेंगे तो क्या होगा बताइए? तो वैल्यू कहाँ जाएगी? 1 यहाँ है ना वैल्यू 1। बोलो भाई हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो उसके पहले तो ऊपर निकल गया ना ग्राफ, समझ में आ रहा है? हाँ सर। और फिर कैसे होगा? ये बात चमकी क्या? यस सर। हाँ सर। तो कितना सॉल्यूशन आ गया? 1, 2 और 3, और उस साइड में 1, 2 और 3। चमका? ये चमक गया ना? ये साइन के ऊपर है डॉट, ये दिख रहा है साइन के ऊपर है डॉट? यस सर। हाँ सर। क्योंकि साइन का पीक तो यहाँ पर है ना, उसके पहले तो वैल्यू 1 छोटी है, और रेड वाली लाइन पहले ही 1 हो गई, निकल गई आगे। ये बात चमकती है क्या? आंसर 6 आ गया। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। रैप करें? हेलो रैप करूं क्या? हाँ सर। आप लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, आप लोग की आवाज बहुत खराब आ रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या बताओ? लॉग 10x इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल x। ठीक है, तो पहले ग्राफ किसका बना ले बताओ? टू फ्रैक्शनल x का। ठीक है,
तो ये 0 से 1 आ गया, ये 1 से 2 चला गया, ये 2 से 3 चला गया, है ना। तो ये मालूम नहीं कहां तक बनाना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसकी इसकी हाइट कितनी हो रही है, बताओ। 2 हाइट इज 2, ये बात चमकती है। Yes, sir. तो yes, sir. इसकी वैल्यू 2 कब होगी? 100 का नेटवर्क काफी खराब है तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की सबकी आवाज अजीब सी आ रही है, कट कट के आ रही है। इसकी वैल्यू 2 कब होगी? 100 पे होगी ना? 100 पे, ठीक है। तो 100 पे होगी, तो ये 100 की लाइन आ गई और ये लाइन किसकी आ गई? 99 से स्टार्ट वाली, ये बात चमकती है। हाँ सर, हाँ सर। ये जो लॉग वाला ग्राफ जो है वो कब खेलेगा? यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी लॉग 10x की। और उसके पहले हर बार क्या करेगा? कट 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 करते 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 कट करेगा ना, नहीं करेगा? करेगा ना, करेगा सर। तो नंबर ऑफ सेशन कितने आ जाएंगे? 1 वाली को काटा, 2 वाली को काटा, इसके पहले कौन सी लाइन होगी? 99 के पहले कौन सी लाइन होगी? 98 वाली, वो भी तो कट हो रही होगी ना। हाँ सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 98 ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। हाँ सर। आप चाहो तो आप पीछे ही बना लो, अंतर नहीं पड़ता ना, क्योंकि लॉग का ग्राफ उधर तो है ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करिए। यहाँ तक कॉपी हो गया? रैप करें? यस सर। नेक्स्ट कौन सा है? फोर्थ वाला, क्या है बताओ? लॉग 10x इज इक्वल टू, बोलो, फ्रैक्शनल मॉड x कैसे बनेगा? पहले ग्राफ किसका बनाएंगे बताओ? मॉड x, मॉड, हाँ, और फ्रैक्शनल है ना, तो अपने काम करते हैं ना, पहले फ्रैक्शनल x का ग्राफ बना देते हैं और फिर मॉड लगा लेंगे x पे, ये बात चमकती है। तो फ्रैक्शनल x का, फ्रैक्शनल x का ग्राफ तो ऐसा बन गया, फ्रैक्शनल x का ग्राफ तो ऐसा बन गया, बोलो हाँ या ना। अब इस ग्राफ पे क्या लगाना है, इस ग्राफ के साथ क्या करना है? मॉड करना है ना इस ग्राफ का, इस ग्राफ का। अगर ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मुझे क्या बनाना है? y इज इक्वल टू एफ मॉड एक्स ना। तो y इज इक्वल टू एफ मॉड एक्स कैसे बनता है बताओ? जो चीज पॉजिटिव साइड में रहती है उसको लेफ्ट में रिपीट करेंगे, उसको वैसे ही रख लेते हैं, है ना, और जो नेगेटिव साइड में रहता है उसको हटा देते हैं, और क्या कर लेते हैं, जो पॉजिटिव साइड में उसका मिरर इमेज, वी टेक द मिरर इमेज ऑफ दैट। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हां सर। हां सर। ठीक है, नाउ व्हाट शैल वी डू? अब किसका ग्राफ बनाएंगे? हाँ बोलो, अब ग्राफ किसका बनाए? लॉग का। लॉग का ग्राफ है ना, तो लॉग का तो बेस 10 है ना, तो इधर की तो जरूरत है, इधर की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? log x पॉजिटिव रहेगा, log x पॉजिटिव नहीं रहेगा, log के अंदर जो x गया है वो x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये क्लियर है?
हाँ सर तो अभी लॉग का ग्राफ बनाओ वीडियो लैग हो रहा है क्या हाँ सर थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा है आ रहा था तुम लोग का बैड लक है यार सुबह से क्लास ले रहा हूँ किसी में आज तो 6:30 में भी बैक नहीं हुआ था इसलिए मैंने तुम लोग क्लास पसंद से कह के 7:30 में कर रही थी अभी ब्लर है क्या नहीं सर नहीं तने अभी क्लियर तने अभी क्लियर है सर एक सेकंड मेरा नेट खराब है तो क्या होगा बताओ यहाँ पर 10 पे तो 1 हो जाएगा ना लॉग वाला सिस्टम बोलो हाँ या ना हाँ और हाँ फिर यहाँ से क्या आएगा पीछे आते 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 कहाँ से जाएगा 1 से जाएगा ना तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो सॉल्यूशन काउंट नहीं होगा ना क्यों नहीं काउंट हो रहा है ये क्योंकि वहां पे रेड लाइन है लेकिन जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो कहाँ आ चुका है नीचे आ चुका नीचे। है ये बात चमकती है हाँ सर यस सर कॉपी करिए यहाँ तक क्लियर है क्या बोलो सर हाँ सर f of x का क्यों बनाया क्या 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 बोला क्या बोला f of x का पहले क्यों बनाया कहाँ जी f का बनाया तो मतलब log x का पहले बनाते तो भी सेम ही होता ना नहीं नहीं f का कहाँ बनाया फ्रैक्शनल का बोल रहे हैं हाँ सॉरी फ्रैक्शन हाँ वो फ्रैक्शनल का इसलिए बनाया क्योंकि उसके बाद मुझे मालूम चलता है log कहाँ log का बना देता लॉग के सेट में फ्रैक्शन बनाने में फंस जाता ना मैं क्योंकि लॉग का ग्राफ हमारी बनाने की आदत कैसी है हम लोग तो लॉग ग्राफ ऐसे बनाते हैं ना हमेशा लॉग का ग्राफ इतना डिप करता है ये कहाँ आइडिया है हम लोग को इतने अच्छे से हम लोग सब लोग तो लॉग ग्राफ ऐसे बनाते हैं आज तक किसी ने आपको लॉग ग्राफ ऐसे दिखाया क्या बना के नहीं दिखाया ना तो आप ऐसा बना दोगे और फिर फ्रैक्शनल को फंसाने में दिक्कत आ जाएगी इसलिए लॉग का ग्राफ सबसे एंड में बनाता हूँ भाई कटिंग पॉइंट्स को देखने में आसानी रहे इतना क्लियर है हाँ सर नेक्स्ट बोल रब करें इसको फोर्थ वाला हो गया क्लियर हाँ सर ठीक है नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट कौन सा है फिफ्थ वाला कौन सा है फिफ्थ वाला क्या होगा फिफ्थ वाले में बताओ चलो क्वेश्चन क्या बताओ लॉग 10 एक्स दिख रहा है ना बेटा सबको बोल नहीं रहा जो बोल रहा है उसका माइक ही बहुत ज्यादा खराब है तेरा माइक बहुत ज्यादा खराब है बेटा जो बोल रहा है इतना तो पहले ग्राफ किसका बनेंगे तने बताओ कॉस एक्स का ये क्या होगा वैल्यू तानिया ये वाला वैल्यू कितना बताओ सर 1 के आसपास होगा ये वाला वैल्यू कितना होगा कॉस का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कब करता है 1.5 तू रुक जा भाई तू रुक जा तेरा माइक बहुत खराब है आई थिंक पीयूष है ना पीयूष तेरा शायद तेरा माइक बहुत नेट खराब है रुक जा तू अभी हाँ ये वाला वैल्यू क्या होगा बोलो 1.57 ठीक है एनीवेज
ये वाली वैल्यू कितनी है 3.14, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 6.28 है ना। ओफ ओफ, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ बताओ फिर इसके आगे। जगह चला गया ना, मुझे छोटा छोटा करना पड़ेगा इसको, तो सिक्स वाले क्वेश्चन से मुझे रब करना पड़ेगा ना यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मुझे पूरा ही रब करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बताओ यार, तुम बोल तो रहे जो चुप चुप बैठे हो, क्या बोलूँ मैं। हाँ भाई बोलो, कॉस का ग्राफ बनाना है ना बेटा। हाँ सर, इतने बनाने का आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए वैसे। ये जीरो है, ये कितना है 6.28, ये कितना है 1.57, फिर यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 3 पाई 9.42, और ये वाला तो पार्ट 10 कहां आएगा बताओ। 3.14 होगा ना। हाँ बहुत जल्दी बोले तुम लोग, चला कितना होगा 3.14। ठीक है, अब ये बताओ 10 कहाँ आएगा, इसके इधर की इसके आगे पीछे, उसके लेफ्ट साइड पे, उसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे आएगा। awesome. अच्छा कैसे बता रहा हूँ लेफ्ट साइड पे आएगा, ये वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहाँ पाई है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 11.04, तो 10 यहाँ हो गया ना, ये बात चमकती है, 10 यहाँ आ गया, बोलो भाई। ठीक है, हाँ तो अभी हमारा तो हमारा काम क्या हो गया बताओ, कट कराएं। चलो तो यहाँ पर तो वैल्यू 1 हो गई बोलो, और इसके ऊपर तो निकल जाएगा हवा में, ये बात समझ में आती है, तो पीछे कहाँ हाँ जाएगा बोलो, यहाँ से आते हुए, यहाँ से आते हुए, यहाँ से आते हुए, अब ये कट कहाँ कर रहा है, इसको यहाँ पीछे कट करेगा ना, पता चल रहा है क्यों कट कर रहा है, ये वैल्यू कितनी 1.5 से है ना, तो कहाँ कहाँ कट किया, एक वैल्यू, दो जगह और तीन जगह, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, थ्री। ये चमक रहा है, क्यों चाहिए था ये वैल्यू, 1 के पीछे है कि 1 के आगे है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। रैप करे क्या, बोल बेटा रैप करें ना इसको, हो गया ना कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ, cos x आप लोग पढ़ने, आप लोग को पढ़ने मजा नहीं आ रहा है, मतलब इतना कम लोग बोलते हैं आप लोग, कौन सा बताइए, कौन सा था फिफ्थ वाला, cos x is equal to mod of x, cos x is equal to बोलो क्या था, mod of x, mod of x। ठीक है, तो इसका मैंने कितना आंसर दिया है सर, 2, तो देखते हैं, ये आपका आ गया cos x का ग्राफ, और ये इधर चला गया, और ये भी आपका ग्राफ इधर चला गया, ये बात चमकती है क्या सभी को। हाँ सर, है ना, अभी जो mod का ग्राफ आएगा, mod x, वो कैसा होगा, v shaped ऐसे होगा ना। अच्छा आप ये कैसे जानते हो कि इसको नहीं कट कर रहा है, यहाँ ऊपर निकल रहा है, हाउ डू यू नो, क्या सो, अरे आप जो मान के ऊपर है, कैसे जानते हो, कैसे जानते हो भाई, जाना कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो दैट सर, वो 9.42 वैल्यू है ना वहां पर, तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब हाउ, मतलब इसका वो देखना पड़ेगा ना, 1 कब बन रहा है, ये 1 कब हो रहा है, इसकी वैल्यू
तुम समझ रहे हो इसकी ये 1.1 जब ये पाई बाई 2 पे था 1.57 तभी इसकी वैल्यू क्या हो चुकी थी 1.57 हो चुकी थी ना, तो ऑब्वियस ही बात है ना उसके बाद वो कभी भी कट नहीं करेगा, उस नीचे नहीं आया ऊपर ही आएगा ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बात समझ में आ रही है? इसका तो माइक बहुत खराब है आज। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये फिफ्थ था कि सिक्स्थ था? ये फिफ्थ था। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था? नहीं कुछ मिस हो गया क्या? तो ये सिक्स था जो आपने किया, ये सिक्स था तो फिफ्थ में, फिफ्थ मैंने कर दिया है ना? हाँ सर। सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या है बताओ? ऐसे किसे साल भर पढ़ाऊंगा मैं यार, मतलब तुम लोग तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो। वन माइनस नॉट एक्स कैसे करेंगे इसको? पहले ग्राफ आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? पहले ग्राफ आपको क्या लगता है मैं पहले ग्राफ किसका बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा इसका बनाऊंगा बताओ? मॉड का ना, कॉस का। कॉस का क्यों? कॉस एक्स क्यों? वैल्यूज पता है सर, इंटरसेक्शन निकालने में आसानी होगी। हाँ ठीक है। अब वन माइनस मॉड एक्स का ग्राफ आता है बने, कैसे बनेगा फटाफट बताओ? पहले ग्राफ किसका बनेगा? पहले ग्राफ बन गया मॉड एक्स का, फिर माइनस चमक रहा है मैं हवा में कर रहा हूं, ये आ गया माइनस मॉड एक्स चमकता है, उसमें क्या जोड़ा? वन जोड़ा। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। और फिर वापस से मॉड लगा दिया है ना? हाँ सर। तो ये ग्राफ आपका ऐसा आ गया ना, ये बात चमकती है? हाँ सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? एक, दो एंड तीन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर थ्री। इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एट्थ क्वेश्चन क्या था बताओ? log mod x is equal to sin mod x, log 10 mod x is equals to, बोलो बेटा, sin mod x। ठीक है आप कॉपी करते रहना, ठीक है ये सब चीज छोड़ा मत करो, कॉपी कर लिया करो। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम बताओ? ये हमारा आ गया x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है तो पहले ग्राफ बनाएंगे sin x का। ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ, बोलो हाँ या ना? अभी नॉर्मली अगर नॉर्मली साइन का ही बनाना होता बस मुझे तो मैं ऐसे बनाता, यस और नो? लेकिन मुझे क्या करना है बताओ? साइन के एक्स में मॉड लगाना है ना, तो कैसे करते हैं? जो भी निगेटिव साइड में होता है उस ग्राफ को निकाल देते और फिर क्या करते हैं जो पॉजिटिव साइड में उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है तो ये आपका जीरो है, ये आपका 3.14, ये 6.28, ये 9.42 और आपने बोला ही एक सर 10 तो इधर कहीं आएगा है ना? हाँ सर। तो भाई यहां पर तो आपका वन हो गया है ना भाई, और इसके बाद ऐसा निकल गया। नाउ व्हाट विल हैपन हियर? ये ग्राफ कटते 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 वन से पास करेगा। क्लियर है क्या? हाउ मेनी सॉल्यूशंस? वन टू एंड थ्री। मैं ऑब्वियसली इधर भी ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूं, बट मैं बिना ग्राफ बनाए भी बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर थ्री आएगा। बताओ सिक्स आएगा, बताओ कैसे? तो वही ग्राफ का मिरर इमेज हो गया। दोनों ही पार्ट में मिरर इमेज है ना? दोनों ही पार्ट में मिरर इमेज है, ये बात चमकती है क्या? तो अगर आप यहां से ये बनाइएगा बेटा तो आपका ये लाइन ऐसे 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 आके यहाँ कट कर गया। एक है, दो है और तीन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए इस केस में आपके? सिक्स। इतना क्लियर है क्या?
हाँ सर कॉपी करिए कॉपी हो गया यस सर रैप करें इसको यस सर अच्छा अच्छा है तुम लोग का नेटवर्क खराब है या तुम लोग थक गए हो क्या चल रहा है आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आपके पास में क्या हो गया ऐसे काफी मजा आता है आपकी क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ log 10 x minus 1 is equal to sin x is equal to sin x है ना तो अभी तक तो बात क्लियर हो चुकी है कि हम लोग पहले ग्राफ बना रहे हैं sin x का है ना मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आप लोगों ने आंसर्स नोट किए कि नहीं किए जो लिखे थे मैंने बोर्ड पे हाँ सर किए आई होप बस किया है ठीक है 0, 3.14, 6.28, 9.42 आगे आगे जो भी है चलो इसका बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा log 10 of x x पे आगे सर हाँ तो ग्राफ कैसे बनेगा जो log का ग्राफ होता है दैट विल बी जो log का ग्राफ होता है टू पे कट करेगा हाँ तो लॉग का जो ग्राफ होता है वो क्या हो जाएगा एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा ये बात चमकती है ठीक है और दूसरी चीज वो ये चीज वन कब होगी इलेवन इलेवन कहाँ आएगा ये बताओ इधर है इलेवन वेयर इज इलेवन व्हाट इज दिस वैल्यू बेटा 9.42 + 1.56 ये बात चमक रही है उसके ऊपर तो ऊपर निकल गया वो है ना तो पीछे खींचो उसको पीछे खींचो पीछे खींचो पीछे खींचो पीछे खींचो कहाँ कट करेगा एक्स एक्सिस को 2.0 पे कितने पॉइंट्स आ गए 1, 2, 3 हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 यहां तक क्लियर है क्या यस सर ठीक है अब इसमें जो पिछला एक और साथ में क्वेश्चन था ना एक इसके ही वो क्या था बताओ 10th वाला log of x plus 2 base n is equal to cos x log of
2 is equal to sin x. X plus 2 है ना? तो इस बार लॉग के ग्राफ के साथ क्या हो जाएगा? लॉग है ये कैसे हो जाएगा बताओ? 0, 3.14, 6.28, 9.42, 12.56. हाँ ये बताओ ये वाला कितना होगा? -3.14. कम ऑन गाइस स्पीक तो बोलो तो भाई ये होगा बोलो. लॉग का ग्राफ कैसे बनाएंगे? लॉग का ग्राफ नॉर्मली कैसा होता है? 1, लॉग का ग्राफ क्या होगा? दो यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा. हम लोग का 10th क्वेश्चन क्या है बताओ पहले? log 10 x + 2 = sin. अरे x + 2 है कि x + 1 है? x + 2 है ना? x + 2 है सर. तो ग्राफ दो यूनिट पीछे शिफ्ट होगा ना? हाँ सर. है ना? और 1 कब होगा ये? -2 पे. क्या? -1 पे. ये चीज 1 कब होगी? 1 0 नहीं 1 8 पे ना. 8 कहाँ आएगा? 8 9.42 के किधर जाएगा? जस्ट राइट में. पीक के जस्ट राइट में. तो यहाँ पे तुम कह रहे हो मुझे सर 8 है ना? हाँ सर. तो अब इसको ऊपर निकाल लेंगे और क्या करेंगे? इसको पीछे ले आएंगे. तो पीछे लाना इज डिफिकल्ट, हल्का सा नहीं. ये जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा. चला गया. कितनी जगह कट किया? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह. ये बात चमकती है क्या? हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? फाइव. हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है आशीष? हाँ सर. कितना सही हुआ था? 9 सही हुआ था. ग्राफ की फील आ गई तुमको? हाँ. ठीक है. बाकी लोगों ग्राफ की फील आई है क्या? फाइनली आगे बढ़े अभी? हाँ सर. हाँ सर. रब करें इसको. एक सेकंड. एक और ग्राफ था शुभम ने पूछा था कल. उसमें क्या आया सर? कॉपी कर लिए? हाँ सर. कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. एक और ग्राफ था शिवम. कौन सा ग्राफ तुमने बोला था? E की पावर. क्या बोला था वो? E की पावर नहीं शुभम? वो समझ में नहीं आता ये लोगों का क्लास. सर मुझे नहीं, शुभम ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा है. वो क्लास में नहीं है. बोलो तुम नोट बोलो. सर वो लास्ट वाला नंबर जो आपने दिया था वो y इक्वल टू फ्रैक्शनल x वाला ना? नहीं सर एक ही बोलता हूँ मैं. रुको रुको एक और ग्राफ था रह गया था. तुमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे याद है? y इज इक्वल टू f ऑफ फ्रैक्शनल x याद है क्या? हाँ सर. अरे आपके क्लास में हाँ एक क्वेश्चन दिया था ना मैंने, डिस्कस करेंगे बाद में. बोलो हाँ या ना? हाँ सर. ठीक है तो बताओ इस ग्राफ में कुछ सोचे? मैंने कहा था सोच के आने को. क्या होगा बताओ? जैसा जीरो से वन के बीच में है वैसा सब में हो जाएगा.
हाँ, इस ग्राफ का एक्चुअल ब्रेकिंग कैसे होगा बताओ? x जब 0 से 1 में रहेगा तो ग्राफ क्या रहेगा? f ऑफ x, x जब 1 से 2 में रहेगा तो ये ग्राफ, तो ये क्या बन जाएगा? कौन सा सेक्शन ग्राफ का? f ऑफ x माइनस 1। x जब 2 से 3 में रहेगा तो क्या बन जाएगा ये बोलो? f ऑफ x माइनस 2। ठीक है क्या? यहाँ पे क्या बन जाएगा, कौन सा ग्राफ? f ऑफ x प्लस 1। ये सब, तो ये सब करने का एक्चुअल में लॉजिक क्या है बताओ? What is the logic if we are trying to do this? See, now if I say कि y is equals to e, इसका क्या मतलब है बताओ? What is happening here? आप क्या करोगे? आपका f(x) का ग्राफ है कुछ 0 से 1 में, आप एग्जैक्टली वही ग्राफ रखोगे। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। मान लो, सुनो, अगर मान लो तुम्हारा ग्राफ जो है ये 0 है, ये 1 है, लेट से कि फिर तुम्हारा ग्राफ ये ऐसा 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 चला गया, तो कुछ भी हो, कुछ भी कर दो, क्या अंतर पड़ता है, या ऐसा कर दो, ये सब ग्राफ तो ही है ना। ये आपका y इक्वल टू fx है, क्या हो रहा है बताओ? अगर मुझे बनाना है y इज इक्वल टू f ऑफ फ्रैक्शनल x, सो व्हाट विल हैपन? 0 से 1 में fx ही रहेगा, 0 से 1 में वो क्या रहेगा? f ऑफ x ही रहेगा ना भाई? हाँ सर। 0 से 1 में आपका वो ग्राफ f ऑफ x ही रहेगा, क्लियर है यहां तक? अरे हाँ, ये सेम ग्राफ रहा। फिर 1 से 2 में क्या बनाना है आपको? देखो, 1 से 2 में व्हाट डू यू वांट? f ऑफ x माइनस 1। f ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ का मतलब क्या होता है? इस ग्राफ को एक यूनिट आगे शिफ्ट करना। अगर इस ग्राफ को एक यूनिट आगे शिफ्ट कर दोगे, जो 0 से 1 वाला पोर्शन है वो कहां पहुंच जाएगा? 1 से 2। ये बात चमकती है, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? हाँ सर। 2 से 3 में क्या, 2 से 3 में क्या बनाना है बताओ? ये वाला ग्राफ हाउ मेनी यूनिट शिफ्टेड? टू यूनिट्स। दो यूनिट आगे शिफ्ट कर दिए। अगर इस ग्राफ को 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर दिए, जो चीज 0 से 1 में हो रही थी वो चीज कब होगी वापस से? 2 से 3 में। 2 से 3 माइनस 1 से 0 में देखो, कौन सा ग्राफ चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का मतलब क्या होता है? ये ग्राफ एक यूनिट पीछे शिफ्ट हुआ, तो वापस से जो 0 से 1 वाला पोर्शन था वो कहां पे आ जाएगा? -1 से 0। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। ये एक तरीका है समझने का। सेकंड मेथड, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज, आप सोचो ना, आपका जो इनपुट है, आप सेकंड मेथड क्या सोच सकते हो? आपका इनपुट जो है वो कैसा है? हमेशा 0 से 1 का ही इनपुट है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब आप क्या लिख, तो आप सीधा स्टेप लिख लो भाई। सुनो, आपका स्टेप क्या हो जाएगा? द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विच इज इन बोलिए 0 से 1 इंटरवल इज रेप्लिकेटेड इन, बोलो, इज रेप्लिकेटेड इन 1 से 2, इज रेप्लिकेटेड इन, बोलो भाई, 2 से 3, इज रेप्लिकेटेड इन कहां पे? -1 से 0, इज रेप्लिकेटेड इन वेयर? -2 से -1। ये बात चमक रही है, मैं क्या सिखा रहा हूं? हाँ सर। अरे सबको क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे तो बस एक चीज बताओ यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे ये ग्राफ बनाना हुआ y इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, y इज इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल x, कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल x कैसे बनाएंगे बोलो? फिर e की पावर x का ग्राफ बना देंगे, फिर जो 0 से 1 में उसको बार बार रिपीट कर देंगे। तो e की पावर x का ग्राफ तो सबको, हम लोगों को आता ही है बनाने, नहीं आता है क्या? ऐसा ग्राफ बनता है ना e की पावर x का? हम लोग कौन से को बताओ, हम लोग 0 से 1 में पकड़ेंगे, तो 0 से 1 में जो e की पावर x का ग्राफ रहेगा वो एज इट इज रह जाएगा ना? आप लोग पढ़ नहीं रहे हो मन से, बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब शुरू में तो कुछ लोग बोलते थे, अभी तो जैसे श्रीनिवास हुआ, दिवराज हुआ, सब चुप हो गए हैं।
तो जीरो से वन में ग्राफ आपका आ जाएगा लाल वाला, बोलो। हाँ सर। yes, sir. फिर वन से टू में कौन सा ग्राफ आएगा जो जीरो से। काम करते हैं, पहले जो लिखा है ना पहले तुमसे कॉपी कर लो, फिर बात पहले कॉपी करो उसको, फर्स्ट कॉपी दिस। कॉपी कर लिए? एक मिनट सर, एक मिनट। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है आपको इक्वेशन लिखने में आसानी होगी, आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। रब करें। हाँ सर। y is equals to e की पावर, चलो फ्रैक्शनल x वाला ही बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो बोलो कैसा होगा बताओ, ये आपका e की पावर s का ग्राफ हो गया, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री। क्या सीखा हमने कि जो भी ग्राफ बोलो जीरो से वन के बीच रहेगा सेम ग्राफ वन से टू, टू से थ्री के बीच रहेगा, ये ग्राफ यहां रहेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। फिर अगला सेट क्या बनेगा, यहां से लेके यहां तक, बोलो क्लियर है? अगला सेट यहां से लेके यहां तक क्लियर है? यहां पर क्या होगा बताइए, यहां से लेके यहां तक क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो बताओ इस वाले की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू e की पावर x, है ना। इस वाले की इक्वेशन क्या होगी बताओ सकते हो मुझे, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वन, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस टू, y इज इक्वल टू e की पावर x plus one। ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? yes, sir। हाँ सर। y is equals to sine of fractional x, y is equals to ln of fractional x। बताओ sine fractional x कैसे बनेगा, बोलिए। साइन फ्रैक्शनल एक्स कैसे बनेगा बनाओ बताओ। जो जीरो से वन होगा वही रिपीट होते जाएगा, जीरो से वन जो होगा वही रिपीट होते जाएगा। जो जीरो से वन रहेगा
तो जीरो से वन में कौन सा पोर्शन रहेगा, जीरो यहाँ पर है और वन कहाँ होगा, इस पीक के पीछे होगा ना कहीं पे, बोलो है ना। हाँ सर। यस सर। तो यही पोर्शन रिपीट होगा ना बस, बोलो। यस। तो फिर हाँ, यही पोर्शन रिपीट होते जाएगा, बोलिए हाँ या ना। आप मुझे ये बता सकते हो कि इस वाले पी यहाँ पर इसकी ये वाली हाइट कितनी है, वन है कुछ और है, इसकी हाइट कितनी होगी? नहीं यार, वन कैसे होगी, वन से कम होगी। अरे भाई ये साइन वन पे साइन वन है ना, तुम साइन वन तक ही जा पा रहे हो ना। हाँ सर। अरे बात नहीं समझ में आ रही। हाँ सर, समझे सर। श्रीनिवास सेकंड का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। क्लास में है कि नहीं है श्रीनिवास? हाँ सर। सर ग्राफ हाँ कैसे बनाएंगे बताओ। सर ग्राफ बनाया नहीं है। मतलब? नहीं सर, अभी ग्राफ लोड हुआ। लोड हुआ? कहाँ लोड हुआ मतलब? सर नहीं, आपने ग्राफ बनाया नहीं था, सिर्फ एक्सिस बनाए थे। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ग्राफ कैसे बनेगा, लॉन फ्रैक्शनल है इसका, लोड क्या होना है बताओ कैसे बनेगा। नहीं आता है? आता है बताओ। हाँ सर, वही रिपीट होएगा। कैसे बताओ, कैसा कौन सा कैसे होगा बोलो। सर जीरो से वन वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है। देख कंफ्यूज क्यों लग रहे हो मुझे, ऐसे तुमको लग रहा है कि आता ही नहीं है। हाँ नहीं सर, वो नेगेटिव में गया ना, इसके लिए जरा कंफ्यूज हो गया था। सर इसमें वर्टिकल लाइंस नहीं बनाएगा तो वैसे बनाना बनाना चाहिए, अच्छा रहेगा, समझने में आसानी रहेगी, बनाओगे तो हमेशा बनाना चाहिए, उससे फील आती है ना कि ये कभी टच नहीं कर रहा है ना। अरे इतना क्लियर है क्या? क्या 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 सर ये समझा नहीं, ग्राफ मतलब वो नेगेटिव पोर्शन वाला क्यों है? आपका एफ ऑफ फ्रैक्शनल एस कैसे बनता है, जो भी ग्राफ जीरो से वन में है वही रिपीट होता है ना, तो लॉनेस का ग्राफ जो जीरो से वन में है वही रिपीट करोगे ना बार बार, नहीं समझा? हाँ सर समझा सर। अरे हेलो गाइस, क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। दे बना पाओगे ग्राफ जो तू, समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को, टाइम चाहिए। हाँ सर बनाएं। आज वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है तने। बना सकते हो ग्राफ वाला, कैसे बनेगा बताओ। सर एक्स माइनस वन का ग्राफ पहले बनाएंगे। x माइनस वन का बनाएंगे फिर x माइनस टू का बनाएंगे, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं सर। हाँ पहले तीनों कॉपी करो सर। रुक जाओ पहले सब लोग कॉपी कर लें ये तीनों ग्राफ, तीनों क्वेश्चन, फिर इसको बनाते हैं।
लिखा हुआ डन सर पे वो नहीं डाल रही हमने बाढ़ में तो मून डाल दी उसका उसका हाँ ये बट सेटिंग में अगर देखो हुक एंड स्नो का ऑप्शन बस हम ही हैं स्नो का है नहीं कॉपी कर लिया यस सर बोलो नीचे लग रहा बना नहीं बना बना सर बन गया सर कैसे बनेगा पहले ग्राफ किसका बनाएंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू सर ग्राफ कैसे बनता है बोलो वन पे और टू पे वैल्यू चाहिए वन पे कितनी वैल्यू है वन वन टू पे वन 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 फिर यहाँ और यहाँ चला गया है ना ऐसे अब हाँ क्या होगा जब अब क्या अब ये हमारा एफ एक्स है हम लोगों को क्या बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल x है ना क्या होगा बताओ सर जो ग्राफ जीरो से वन के बीच होगा वो रिपीट होगा जो जीरो से वन के बीच में ग्राफ है यही ग्राफ क्या होगा बार बार रिपीट होगा मैं थोड़ा सा एक्सिस ध्यान से नहीं बनाया इसलिए गंदा लग रहा है मैं देखने में तो पहले इसमें कल था ठीक है तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ ये जीरो है ये वन है ये टू है बोलो ग्राफ कैसे बनेगा जो ग्राफ यहां पर है अरे समझ में आ रहा है वही ग्राफ कहां जाएगा यहां पे ऐसे ऐसे पीछे पीछे ग्राफ जाते रहेगा इतना क्लियर है क्या सभी को हाँ तो जब तक नहीं पूछोगे नहीं समझा पाऊंगा मैं सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है क्या बोलो सर सम ऐसा है मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन होल मॉड माइनस टू एक्स प्लस वन होल मॉड फुल फ्रैक्शनल लेस देन इक्वल टू वन मैं कुछ भी आवाज नहीं आई तुम क्या बोले हो मेरे को आवाज ही नहीं आई रैप करें इसको पढ़ना नहीं जरूरी है यस सर हां भाई बोलो क्या बोल रहे हो क्वेश्चन दिया था वो वाला है ना हां कौन सा x प्लस x माइनस 1 होल मॉड माइनस 2 इनटू x प्लस 1 होल मॉड होल फ्रैक्शनल लेस देन इक्वल टू हाफ हां उसका सॉल्यूशन मैं तुमको ग्रुप में भेज देता हूँ ध्यान दे लो ठीक है उनको सॉल्व करने उसमें दिक्कत कैसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे ना छह या सात इंटरवल आ रहे होंगे वही क्वेश्चन कह रहे हो ना हाँ सर सर वो जो ग्राफ है वो बन गया फिर उसका जीआईएफ में प्रॉब्लम आ रहा है और लेस देन हाँ सर होल फ्रैक्शनल करना उसमें हाँ तो जीरो से वन में उसको जो जीरो उसको सबको शिफ्ट कर दो ना तुम नीचे में बोलो क्या था mod x plus x minus 1 whole mod mod x
प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल होल फ्रैक्शनल हाँ लेस देन इक्वल टू हाफ ठीक है हाँ तो पहले इसका ग्राफ बताओ क्या आ रहा है तो वन पे माइनस सेवन बाई टू वैल्यू आ रहा है जीरो पे माइनस थ्री बाई टू माइनस सेवन बाई टू सेवन बाई टू कहाँ से आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम इसकी वैल्यू सेवन बाई टू कैसे आ रही है भाई तो क्योंकि हाफ को लेफ्ट में लिया नहीं नहीं हाफ को लेफ्ट मत लो तुम ना उसको ऐसे ही रहने दो वो फालतू में कंफ्यूज करेगा इसका ग्राफ बनाओ और y लेस देन हाफ बनाओ समझ रहे हो इसका ग्राफ बनाओ और y लेस देन हाफ बनाओ बस और फिर सॉल्व करो ओके ठीक है काट लेता हूं बाकी लोग कर लिए थे ये करूं मैं एंड तक कैसे ग्राफ होगा इसका किया सर सो हो गया सर मैं अब ग्रुप पे सेशन भेज देता हूं आपको दूसरे बैच से मैंने किया था एक बच्चे से तो वो आसान पड़ेगा आपको समझने में अरे यहां तक क्लियर है क्या Yes, sir. ठीक है अपन फंक्शन वाले पे ही एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको फील आए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स बाई थ्री की पावर एक्स प्लस नाइन है तो आप मुझे बताओ एफ ऑफ वन बाई दो हजार प्लस एफ ऑफ दो बाई दो हजार एफ ऑफ वन नाइन नाइन बाई दो हजार सॉल्व करो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन बताओ अरे बताओ कैसे अप्रोच करें इसको अच्छा ये बताओ इसमें और इसमें कुछ हिंट मिल रहा है कि इन दोनों का सम कितना है इंटरनेट बहुत खराब है यार पीयूष तू बोल रहा है बाकी लोग बताओ भाई वन बाय टू थाउजेंड और नाइनटीन नाइनटी नाइन बाय टू थाउजेंड में क्या रिलेशनशिप है बताइए दोनों का सम वन होगा ठीक है फिर इसका और यहाँ पे जो नंबर रहेगा कोई बोल नहीं रहा है मतलब सब लोग थक गए लग रहा है आज क्या हो गया है एफ ऑफ वन नाइन नाइन एट बाई दो हजार बताओ क्या होगा सम इसका अंदर की वैल्यूज का सम वन हो रहा है ना सो ये देख के व्हाट वी ट्राई कि हम लोग ट्राई करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स को वैल्यू निकालने का ठीक है तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स कितना आ रहा है बताओ जरा तो थ्री की पावर वन माइनस एक्स बाई बोलो यहाँ तक क्लियर है हाँ सर तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स कितना आ रहा है बताओ थ्री बाई थ्री की पावर एक्स उफ बाई थ्री की पावर एक्स चमक रहा है क्या कुछ भी प्लस नाइन क्लियर है सिंप्लीफाई करने पे क्या हुआ बोलो भाई यहां तक आ गया हाँ सर ये थ्री 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 निकाल के काट दिए क्या बचा वन अपॉन वन प्लस क्वेश्चन दिया फिर ओह
मैंने क्वेश्चन रॉन्ग दिया, इट शुड हैव बीन सम गुड थिंग, अच्छा कुछ गलत क्वेश्चन दिया मैंने, दो मिनट सोचना मुझे क्या गलती करी मैंने इसमें। यहाँ पर इट शुड हैव बीन थ्री, यहाँ पर ना यहाँ पर थ्री रहता तो होता क्या, और यहाँ थ्री रहता तो वहाँ मुझे नाइन बनाना है ना। एक मिनट रुक जाओ, मुझे एफ एक्स देखने दो, मुझे एफ एक्स मैंने शायद सही नहीं दिया है। एक्स में अगर मैं यहाँ पर इनकी पाँच, दो मिनट मुझे एक ये क्वेश्चन देखने को कहाँ से देख कर तो हाँ 4x by 4x plus 2, ठीक है। अब बताओ f of 1 minus x कितना आ रहा है, 4 की पावर 1 minus x by, बोलो 4 की पावर 1 minus x plus 2 क्या होगा बताओ, 4 by 4 की पावर x, 4 by 4x plus 2, clear है? Yes, sir. क्या हो गया यहां से, 4 plus 2 into 4 की पावर x, clear है क्या ये? Yes, sir. हाँ, sir. ये और एक कट गया? हाँ. तू चुप रहे यार, जिसका भी माइक खराब है, प्लीज चुप रहो यार, तो माइक बहुत ज्यादा खराब है यार, तो नेटवर्क खराब है बेटा, नेटवर्क सही करो अपने। ये 2 बाहर ले कितना आ रहा है, 2 plus 4 की पावर x, ये बात चमकी क्या? हाँ, तो इससे और इससे क्या मालूम चला बोलो, f of x plus f of 1 minus x क्या हो जाएगा, ये f of x है, f of 1 minus x है, क्या हो जाएगा 1, ये बात समझ में आई। उसमें क्वेश्चन में दो कंसेप्ट है, दो चीजें हैं कि आपको 1 minus x क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मैंने यहां से ऑब्जर्व किया ये और ये चीज, ठीक है, और फिर इसलिए मैंने f of 1 minus x निकालने का ट्राई किया तो अच्छा बन रहा है क्या, एक बार ये बन गया अब इसका आंसर क्या होगा बताओ, अब सॉल्व कर सकते हो बताओ क्या होगा, तो किसका किसका सम 1 हो जाएगा, दिस प्लस दिस का आंसर कितना होगा बताओ, 1 होगा, 1, हाँ सर, फिर इसका हाँ, इसका आंसर कितना होगा, 1, कितनी बार वन बनेगा, कब तक वन बनेगा, थाउजेंड बार, नहीं थाउजेंड बार वन नहीं बनेगा, कब तक वन बनेगा, 500 टाइम्स, कितना 500 टाइम्स, नहीं कब तक वन बनेगा यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कब तक वन बनता रहेगा, किसका किसका कपल प्रेजेंट है, कितना कपल प्रेजेंट है, हाउ मेनी कपल्स आर प्रेजेंट, 999 कपल्स ऑफ प्रेजेंट है यार, 1 के लिए है, 2 के लिए है, f ऑफ 999 पे भी जाओगे अगर, f ऑफ 999 बाय 2000, उसका भी कपल यहां पे प्रेजेंट रहेगा ना, क्या कपल प्रेजेंट रहेगा, 1000, अरे ये बात चमकती है, ये भी तो 1 बनेगा ना, हाउ मेनी टाइम्स 1 बना, हां सर, कितनी बार 1 बना, 999, तो 999 प्लस क्या बच गया, प्लस बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म क्या है, f of 1000 by 1000, कितनी वैल्यू होगी, f of half ना, अभी f of half निकाल सकते हो ना यहाँ से, कितना आ रहा है f of half, जो भी आगे निकाल लोगे, अरे ये क्लियर है क्या, क्वेश्चन देखो तुमको याद, तुम इस क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते, तुमको देखना पड़ेगा क्यों किया गया, क्यों किया गया है, दिस प्लस दिस का सम देखे क्या था, दिस प्लस दिस का सम कितना था, 1 था ना, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया गया, f of 1 minus x निकाल के देखा कुछ अच्छा बन रहा है क्या, इसलिए किया, इतना क्लियर है क्या, हाँ सर, हाँ सर, मैं डायरेक्टली देख के पता चल रहा था कि उन दोनों को ऐड करने से 1 बन जाएगा, तो हम वहीं पे डायरेक्टली ऐड कर सकते थे ना, मतलब प्रूफ करना जरूरी नहीं था ना, जो नीचे प्रूफ किया है, f(x) प्लस, तो आपको आपको कैसे दिख रहा था कि, आपको कैसे दिख रहा था कि ये चीज 1 बन रही है, अरे हाँ सर समझा, इतना क्लियर है, हाँ सर, कॉपी करो, अभी नेक्स्ट क्लास के पहले एक बार जितना ही पढ़ाया है फंक्शन में वो सब रिवाइज कर लो,
अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोमेन रेंज ये सब रेंज वेंज शुरू करेंगे अब. ठीक है सर. यहाँ तक पहले कॉपी करो अच्छे से एक बार नोट्स पूरा रिवाइज करो ढंग से क्या पढ़ाया है क्या क्या बोला है बीच बीच में मैंने ध्यान से. ठीक है कॉपी कर लिए. एक सेकंड सर. ऐसे क्वेश्चन शीट में है. शीट में होने चाहिए पता नहीं. मेरे को तो जो क्वेश्चन ध्यान ना आता है मतलब जो लगता है बना सकते हैं बना लेता हूँ क्वेश्चन उसमें. ठीक है. हाँ सर. अरे इतना क्लियर है क्या सभी को. शीट का पीडीएफ सेंड कर दो. ठीक है कर देंगे. रैप करें. हाँ सर. चलो भाई इतना ही करेंगे आज. नेक्स्ट क्लास का होमवर्क आपका आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से ताकि हम आगे बढ़ पाए. ठीक है. सर 3-4 पे बैठ के नोट्स को गो थ्रू कर लो पूरा मैथ्स का. ठीक है. ठीक है सर. चलो